लोग आए हुए कहाँ पे हम लोग कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं हमें, आप देख सकते हो। Here we got ice cream with us guys। तो बहुत अच्छा लगता है यार जब हमको लोग ऐसे पहचानते हैं ना, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन और इतनी राखी बांध रहे हैं। फर्स्ट मैन ऑफ झारखंड, ये रियल लग रहा ना। ये दो भागे हुए लुटेरे। तो टोटल मिला के 30 एकड़ में पूरा बना हुआ है ये। तुम्हें चाहकर भी ना चाहे करे जो मन। सो हेलो जी, गुड आफ्टरनून, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइफ एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज है रक्षाबंधन, तो हम लोग कल तो नहीं बनाए पर आज है 12 तारीख, तो हम लोग आज बनाए हैं। बहुत लोग 11 तारीख को ही बना लिया और बहुत लोग 12 तारीख को बना रहा है, तो आज हम लोग बनाए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर का 12:30, मतलब 1 बजने जा रहा है अप्रॉक्स। तो आज सुबह ही में मतलब कि 8 बजे ही था, किस कहीं कहीं 7 बजे था कि 7 बजे ही बांधना है, किसी किसी को 8 बजे बांधना, तो हम लोग जल्दी आज बांध लिए थे। तो और लोग 11 बजे तक बांधे, तो अभी हम लोग जाके फ्री हुए हैं। तो सोच रहे सब भाई बहन लोग जाते हैं हम लोग जेल पार्क घूमने के लिए, तो अभी हम लोग चलते हैं पार्क घूमने के लिए। अरे बाकी लोग तो वहाँ से पहुँच जाएगा, तो हम और सौरभ मेरा भाई है जो, तो अभी हम लोग उसके साथ जा रहे हैं साथ में, और इतनी राखी बांध आज। तो अभी हम लोग चलते हैं। जी क्या थी कि अभी हम फ्रेश हुए थे, तो मेरा टिक्का बिट गया था, तो वही मम्मी को बोल रहे थे कि टिक्का लगाने के लिए। कि हम लोग अभी फ्रेश हुए थे तो चेहरा पूरा धोए थे, तो हम जो टीका पहले से लगा था वो तो मिट गया था, तो ये हम लोग टीका लगा लिए और अभी निकलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देन फिर मिलते हैं वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जेल पार्क में। तो आप एक्सटीरियर देख सकते हो बाहर में जो लिखा हुआ है जोहार, तो ये जेल पार्क। तो हम लोग अंदर जाते हैं अभी। अभी दोपहर का बज रहा है 1:30, तो हम लोग जस्ट यही पहुँचे और हम लोग जेल पार्क आए हुए हैं। जो जेल पार्क से फिलहाल जाने वाला रास्ता में जो जेल तालाब है उसके अपोजिट में, तो आप बाहर के एक्सटीरियर देख सकते हो, यही है मेन गेट। तो हम लोग अभी अंदर जाते हैं। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे। तो अंदर आ चुके हैं, तो ऐसा अभी कोई फी तो नहीं है, एंट्री फी वगैरह तो नहीं है, अभी जैसे नॉर्मली फ्री में हो रहा है एंट्री। तो आप लोग भी अंदर आइए और देखिए कितना मस्त है। तो बहुत अच्छा बना दिया, पहले एक बार बना था यहाँ पार्क पर, रिकंस्ट्रक्शन किया तो ऐसा है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं। और बाकी लोग तो अंदर गया हुआ है पहले ही, पर हम लोग थोड़ा लेट से आए थे, हम और मेरा भाई साथ। अभी भाई है मेरा सौरभ, भाई है मेरा साथ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि किधर से स्टार्ट करें, मेन चीज तो ये लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा एरिया में बना हुआ है ना कि कहाँ नहीं जा सकता। और आप ये मंदिर भी देख सकते हो, जो सामने मंदिर यहाँ बना हुआ है, पहले भी एक मंदिर था यहाँ पे, तो उसी को रिकंस्ट्रक्शन करके अच्छे से बनाया गया है। तो जब आप बहुत पहले का बात है, जब हम लोग आते थे खेलने के लिए तो उस समय था, तो ये चीज़ है, तो यही है। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए 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 चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाहकर भी ना चाहे। सो गाइस यही है बिरसा मुंडा का स्टैचू, जो झारखंड को आजाद करने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इनका, और हम लोग इसको पूजते भी हैं और इनका पूजा भी करते हैं। तो आप झारखंड आओगे ना कभी भी, तो इनका प्रतिमा कहीं भी मिल जाएगा, स्टैचू कहीं भी लगा हुआ मिल जाएगा। और यही थे जो फर्स्ट मैन ऑफ झारखंड, लड़ाई करके अंग्रेजों से झारखंड स्टेट को मुक्त कराए थे। तो यही हमारा झारखंड के एकलौते सेनानी और फर्स्ट मैन ऑफ झारखंड जो आज़ाद कराए थे, बिरसा मुंडा जी। तो इनका हम लोग बहुत पूछते भी हैं। तो सो गाइस हम लोग चलते हैं आगे, और भी आपको हम आगे वीडियो दिखाते हैं। हम लोग अभी आ जाते हैं बिरसा मुंडा संग्रहालय, जो पहले ये जेल के नाम से था, मतलब पुराना, बहुत पुराना जेल है यहाँ पे, आप देख सकते हो। करे जो मन माने मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिले के अब बाटे तेरे ना। तो ये पुराना जेल भी है ऐसा आप देख सकोगे, पहले यहाँ एंटर करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि हम यहाँ पे 2008 से हैं, तो मतलब जब यहाँ खेलने भी आते थे ना, तो इसमें ये सब नहीं बना हुआ था इतना, यहाँ पे दिख रहा है पहले ये जेल हुआ करता था। और इधर पर संस्कृति जो होता है, जो जनजातीय संस्कृति है हम लोग का, झारखंड का संस्कृति, उसी का है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा दर्शाया गया है, रियल लग रहा है ना। पर जो अंदर ये चीज़ बना गया है ना, बहुत अच्छा सा लग रहा है, मतलब ऐसा पूरा रियल लग रहा है कि यहाँ पे पूरा गांव में फील हो ला रहा है, जो हम लोग का संस्कृति रहता है झारखंड का संस्कृति, तो वही चीज़ है। तो अभी रिसेंटली हम लोग का कुछ महीना हुआ इसको बने हुए, अब तो आ रहा आस पास करना इंकार, बार बार देना साथ। तो
जो हम लोग को स्वतंत्रता सेनानी थे ना, जो झारखंड को आजाद करने में हेल्प किए थे, तो उन्हीं का सारा प्रतिमा यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं हमें, आप देख सकते हो गाइज, मेरा भी सब्सक्राइबर मिलने लगे हैं। मतलब मिल गया था हम लोग को सब्सक्राइबर, तो बहुत अच्छा लगता है यार जब हमको लोग ऐसे पहचानते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग फोटो ले लिया मस्त वाला, पता नहीं क्या जेल है क्या। हाँ तो सो गाइस आप देख सकते हम लोग जेल पे आए हुए हैं। ये हमारा जेल, ये दो भागे हुए लुटेरे बड़ी मुश्किल से पकड़ाए हैं, दूर रहिए, ये बड़े खतरनाक है, इनके पास हथियार है, एक तो गॉगल्स में है, जेल में भी हीरोपंती नहीं छूट रहा है। हम लोग अभी जेल में चक घुस गए थे, हम और मेरा भाई सौरभ, तो सीरियस था मस्त वाला एकदम, हर जेल वाला फील भी आ रहा था गाइस। तो ये चीज़ अच्छा किया कि ये नया बना दिया, क्योंकि ये पहले जेल से ही नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे पुराना सबसे बहुत पुराना जेल था यहाँ पे पहले, तो उसको फिर पार्क में बनाया गया। मतलब बहुत ज़्यादा ताजा था यार, क्योंकि 2008 में हम जब यहाँ थे ना, तो पूरा ओपन एरिया था, तभी इसको बना दिया ना इतना अच्छा था, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग और भी आपको एक्सप्लोर कराते हैं और दिखाते हैं गाइस। तो ऐसा लग रहा ना इसकी हर जगह का फोटो ले, पर क्या ही बोले, मतलब इतना अच्छा लग रहा ना, मतलब देखिए, मतलब अच्छा था, पूरा शांत शांत फीलिंग लग रहा है ना। भाई हमारी बात ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। जितना भी स्वतंत्रता सेनानी था ना, जो झारखंड को आजाद किए थे, उसकी सारा प्रतिमा इसका बना हुआ, स्टैचू बना हुआ और उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम तो कभी कुछ कुछ दिखाए हैं, तो आप लोग पीछे मेरा देख रहे होंगे सारा। गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात न पाए चैना, सुन लेना। तो हम लोग अभी सारा फोटो वोटो भी ले लिया अच्छा खासा, और हम लोग पूरा घूम भी लें इधर का। अब हम लोग का और आधा पार्ट बचा हुआ है इधर, ये तो पहला पार्ट था इधर। अब जब भी गेट से घुसोगे लेफ्ट हैंड में आओगे, तो ये सारा चीज़ आपको दिखेगा। मत है तो आप लोग भी अगर आओगे ना, तो एक अलग सा जोश भर देता है अंदर में कि हाँ यही लोग थे जो झारखंड को भी आज़ाद करने में इन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ था। जैसे विलेज में लोग रहते हैं ना, जैसे गाँव में रहते हैं और कैसे रहते हैं, वो भी दर्शाया गया, आप देख सकते हो। देखो तो ये आप देख सकते हो, ये मतलब जो गाँव में जैसे होता था ना, वैसा सीन है यहाँ पे। हम लोग मेन गेट से लेफ्ट पार्ट तो सारा कवर कर दिए, अब हम लोग चलते हैं राइट पार्ट कवर करते हैं। मानिए मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिले के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई। पीछे आ गया ना, बैकवर्ड साइड है ये, आप देख सकते हो ये बैकवर्ड एरिया। तो ये तो पहले जैसा था, जैसे बना हुआ था पहले, वैसे ही था। और यहाँ से आपको निकलस मॉल दिख सकता है। तो हम लोग आ गए हैं पार्क में, और इधर पार्क वाला जो पहले पुराना था ना वही है, पर एक था यहाँ पे फाउंटेन वाला था, कुछ स्टेज फाउंटेन स्टेज था, वो अब वो हटा के ये नॉर्मल ये पार्क रख दिया है, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा बता दूँ इस पार्क के बारे में, तो ये पार्क ना हाल फिलहाल में ही बना है, मतलब कि 30 मार्च को कंप्लीट हुआ है बन के। तो वैसे तो अभी यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, और ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तो एंट्री। तो ये जो एरिया है ना, नहीं भी तो ऑल ओवर 30 एकर्स में है, ठीक है, 28 to 30। हाँ लगभग 28 to 30 एकर्स में, जिसमें आपका 25 एकर्स गार्डन को ऑक्यूपाई किया गया है, और जो म्यूजियम हम लोग अंदर गए थे ना अभी, वो 5 एकड़ में ऑक्यूपाई किया गया है। तो टोटल मिला के 30 एकड़ में पूरा बना हुआ है ये। करना इंकार बार बार देना साथ। So guys, हम लोग आए हुए कहाँ पे, हम लोग तो हम लोग यहाँ पे सारा चीज आपको दिखा भी दिए और सारा चीज कवर भी कर दिया। आई होप कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो बाकी लोग, अभी बारिश भी ऊपर से हो रहा है ना, अच्छा खासा बारिश भी होने वाला है, तो हम लोग सोचते हैं कि बारिश से पहले ही निकल जाए यहाँ से। तो भैया भी लेट से, भैया से कहाँ थे आप? हम बहुत दुनिया को बचाने गए हुए थे, ऐसा साहब हुआ था तो उसको मारपीट के आए अभी, मार पटा पता नहीं भैया, थोड़ा लेट से आए थे तो थोड़ा सा मिस कर दिया हर चीज को। अच्छा तो बोले उसको एडिट को डालना जरूरी है, तो अच्छा मारने गए थे अभी, तो अभी हम एंड गेम करके आए। तो कहते हैं चलते अभी, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो गया और बारिश भी हो रहा है, और बारिश मतलब दे रहा है फिर छोड़ रहा है, तो उससे पैसे हम लोग घर चल जाए। अच्छा तो हम लोग भी चलते हैं घर, क्योंकि
नहीं तो ज़्यादा इधर रहेंगे तो ज़्यादा भीगने का भी चांसेस है, क्योंकि सुबह से बारिश दे रहा है। तो आई होप कि आप लोग भी रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बनाए होंगे, तो मैंने भी अच्छा से बनाया और सारे बहनों के साथ हम लोग मिले, टाइम स्पेंड किया तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं घर। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो यही है मेन गेट, आप देख सकते हो, तो आप यहीं पर आना। और आप जब जेल चौक से जब किराला और रास्ता ना होगे ना, तो कुछ दूर चलोगे तो ये एंट्रेंस आपको मिल जाएगा। तो आप लोग आना जरूर, यहाँ पे देखना जरूर। तो Here we got ice cream with us, guys. Finally we at home और अब बज रहा है दोपहर का 3। तो हम लोग सारा ने मजा किया मस्त वाला। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताओ। और जितना भी फोटोज है जो मैंने क्लिक किए तो वो आपको इंस्टाग्राम में दिख जाएगा। तो मेरा लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टाग्राम में मुझे को फॉलो करो, आप लोग भी कभी विजिट करो वहाँ पे। आई होप कि आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। सो अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सो टिल देन बी सेफ, राइट सेफ, इंसेनी साइनिंग ऑफ, बाय।